दोस्तों, ये दुनिया बड़ी अजब गजब है और इसे रहस्यमय कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस धरती पर ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो रहस्य ही बने हुए हैं, और उनमें से कई रहस्य तो हजारों साल पुराने हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस धरती के सभी रहस्यों को जान पाना बड़ा कठिन है। पहले के समय में साइंस उतनी आगे नहीं थी, फिर भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हजारों साल पहले लोग कर पाते थे जो आज के समय में संभव नहीं है। हालांकि मौजूदा समय में ऐसे कामों को अधिकतर लोग काल्पनिक मानते हैं, जैसे दूसरी दुनिया वास्तव में है या नहीं, ये अब भी सवाल ही बना हुआ है। जबकि कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोग दूसरी दुनिया तक जा पाते थे। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ दूसरी दुनिया के दरवाजे हैं, पर उनके रहस्यों को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 4, टियाहुआनाको सन गेट। दोस्तों, ये एक सूर्य का द्वार है जिसे सूर्य के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, जो टियाहुआनाको की साइट पर एक मेहराब या प्रवेश द्वार के रूप में उकेरा गया एक पत्थर का खंभा है, जो बोलिविया की एक एंडियन सभ्यता टियाहुआनाको संस्कृति द्वारा एंडीज में टिटिकाका लेक के आसपास पनपी है। टियाहुआनाको ला पेज बोलिविया के पास समुद्र तल से लगभग 12,549 फीट यानी 3825 मीटर टिटिकाका लेक के पास स्थित है। ये सूर्य का द्वार लगभग 9.8 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा है और इसे पत्थर के एक टुकड़े से उकेरा गया था। इसका वजन 10 टन होने का अनुमान है। जब 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा इसे खोजा गया था तो मेगालिथ क्षैतिज रूप से पड़ा हुआ था और जिसके कारण उसमें एक बड़ी दरार आ गई थी। ये वर्तमान में उस स्थान पर ही खड़ा है जहाँ इसे खोजा गया था, लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा माना जाता है कि ये इसकी ओरिजिन साइट नहीं है बल्कि एक अनिश्चित साइट बनी हुई है। टियाहुआनाको प्रतिमा के कुछ तत्व पूरे पेरू और बोलिविया के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। इस जगह पर वस्तु पर पाए गए रहस्यमय शिलालेखों के विशाल डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि द्वार को सजाने वाली कार्विंग में खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व है, जिसने इंका के धर्म और उनकी कहानियों के 400 से अधिक चित्रणों का चित्रण किया था। इन चित्रों और उनके समान रिसोर्सेस के कारण ही प्राचीन सभ्यताओं के लिए जीवन के तरीके एक रहस्य नहीं है। गेट ऑफ द सन के शुरुआती जांचकर्ताओं में आर्थर पोंडेस्की और एडमंड किस थे, जिन्होंने नॉर्डिक आर्यंस के साथ मिलकर प्रारंभिक काल में गलत सिद्धांतों के साथ इस स्मारक की व्याख्या की थी। उनकी व्याख्याओं में आधुनिक डेटा और विधियों का अभाव था और अब उन्हें सीडू आर्कियोलॉजी के रूप में माना जाता है। जब इसे शुरुआत में खोजा गया था तो ज्यादातर लोगों का अंदाजा था कि ये सन गेट किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस गेट पर रिसर्च की तो पाया कि कार्बन डेटिंग भी इसकी उम्र पता करने में सक्षम नहीं है, जिसके बाद से ये गेट एक रहस्य बना हुआ है जिसे अब भी लोग दूसरी दुनिया में जाने का द्वार मानते हैं। नंबर 3, द स्टार गेट ऑफ रानमासुओयाना। रानमासुओयाना एक पार्क है जो श्रीलंका के प्राचीन लोगों के द्वारा बनाया गया एक रॉयल गार्डन है। ये इसुरु मुनि विहार और टेसा वेवा के प्राचीन पवित्र शहर में अनुराधापुरा में स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लगभग 40 एकड़ तक फैला हुआ है और ये एक पूर्व ईसाई युग के श्रीलंकाई उद्यान वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। आपको बता दें कि वेस्सागिरिया में पाए गए एक शिलालेख के अनुसार पार्क में पानी की आपूर्ति टेसा वेवा द्वारा की जाती थी और फिर इसुरु मुनि विहार के आसपास चावल के खेतों में छोड़ दिया जाता था। रानमासुओयाना आप जान ले कि पार्क में विभिन्न तालाब और छोटी इमारतों के अवशेष हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राजकुमार सलिया अशोक माला से इसी उद्यान में मिले थे। लेकिन अब बात आती है उस प्राचीन द्वार की जिसे लोग दूसरी दुनिया का गेट भी कहते हैं। इंटरनेट और टेलीविजन के अनुसार उन्होंने एक दावा किया था कि पार्क के भीतर एक नक्काशी है जिसे सकवाला चक्रया के नाम से जाना जाता है, जो मनुष्यों और बाहरी अंतरिक्ष से कुछ बुद्धिमान प्रजातियों के बीच का एक इंटरफेस या स्टारगेट था, जिसे पुरातत्वविदों द्वारा बेतुका कहा गया है। आपको बता दें कि शाही उद्यान का निर्माण पहली बार राजा तिस्सा ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किया था। लेकिन जब बात उस गेट की आती है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ एक नहीं दो गेट हैं, उनमें से एक स्टार पर और दूसरा किसी अन्य प्लैनेट पर खुलता है। हालांकि आप ये भी जान लें कि वैज्ञानिक ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि उन्हें उस स्टार गेट से जुड़ी कोई भी बात नहीं पता है और ये अब भी रहस्य ही है। नंबर 2, गोबेकल टेप। तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत सानली उर्फा के कराहिंटेपे नाम के जगह पर खोजकर्ताओं ने जमीन के अंदर से दुर्लभ चीजें बरामद की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के अंदर से कई इंसानों की आकृति और नक्काशियां मिली हैं। खोजकर्ताओं ने जमीन के अंदर से 11,000 साल पुरानी कलात्मक मूर्तियां बरामद की हैं, जिनको लेकर खोजकर्ताओं का कहना है
कि इन मूर्तियों के ऊपर जिस तरह की नक्काशी की गई है वो बेमिसाल है और उस समय के लोगों के कलात्मक कौशल के बारे में एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है। जमीन के अंदर से खोजकर्ताओं को 3D मूर्तियों के अलावा 250 से ज्यादा टी आकार के बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। जमीन के अंदर से खुदाई के दौरान 758 मीटर व्यास और 18 फीट गहरी एक अति प्राचीन इमारत भी मिली है। वहाँ मौजूद कुछ सामानों का अध्ययन करने पर कुछ पुरातत्वविदों ने ये भी अनुमान लगाया है कि हो सकता है उस वक्त के लोग उस जगह पर अलग अलग तरीके का धार्मिक अनुष्ठान करते हों और उसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो अलग अलग संरचनाओं का निर्माण कर रहे हों। हालांकि करहानतेपे में खुदाई में मिली चीजों के आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है कि इस खुदाई से गोबेकली टेप में मिली चीजों के बारे में भी काफी कुछ समझने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जहां एक ओर लोगों का मानना है कि ये जगह बहुत अनमोल है, वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना है कि ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है बल्कि रहस्यों से घिरी हुई है। और इस जगह पर एक स्टार गेट भी है जो किसी भी इंसान को दूसरी दुनिया में पहुंचा सकता है और इसे प्राचीन लोग प्राचीन काल में यूज भी किया करते थे। लेकिन रिसर्चर्स के हजार कोशिशों के बाद भी वो उस गेट को खोजने में सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने खुले शब्दों में सभी के सामने बताया कि ये गेट रियली में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसे खोज पाना किसी प्राचीन रहस्य को सुलझाने जितना कठिन काम है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर एक, एबिडोस। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आखिर प्राचीन मिस्र दुनिया के लिए कितनी बड़ी रहस्य की गुत्थी बना हुआ है, जिसे हम इंसान आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नहीं सुलझा पा रहे हैं, जिसमें से एक सबसे रहस्यमय जगह आती है एबिडोस, जो पूरे इजिप्ट में सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है। ये एरिया हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें, ऐसा इसलिए क्योंकि एबिडोस नाम के इस एरिया में हजारों की तादाद में विचित्र कार्विंग्स बनी हुई हैं, जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि ये कार्विंग्स पूरी तरह सेंसलेस है। आप माने या ना माने, लेकिन प्राचीन लोगों को इसके बारे में एक अच्छी समझ थी, जिसके चलते उन्होंने हमें हाइरोग्लिफिक्स और ड्रॉइंग्स के बारे में बताने के लिए बताया था। इन पर बनी कार्विंग्स इतनी ज्यादा विचित्र हैं कि जिनका उल्लेख हमें किसी भी हिस्ट्री की किताब में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन शायद आपको सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को जानकर होगी कि इन कार्विंग्स में से एक स्टोन पर कई हेलीकॉप्टर और युद्ध के दौरान उपयोग होने वाले टैंक्स के सामने चित्रों को कार्व किया गया था। अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि ये कार्विंग कार्बन डेटिंग की रेंज से भी ज्यादा पुरानी है। कई सारी कार्विंग्स में तो कई UFO जैसे ऑब्जेक्ट्स भी बने हुए हैं। हालांकि इनकी मिस्ट्री तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और मेरे ख्याल से न आगे कभी सुलझा पाएंगे। लेकिन जब रिसर्चर्स इसके बारे में पूछताछ करते हुए एक डोरोथी एडी नाम की एक बूढ़ी महिला के पास पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि ये प्राचीन कार्विंग्स किसी और चीज की नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर और टैंक्स की है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका कहना था कि प्राचीन लोग हेलीकॉप्टर को आज के मॉडर्न जमाने से देख कर आए थे। लेकिन अगर अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है, तो उसने बताया कि वहाँ के 17वें फैरोहा यानी वहाँ के आखिरी फैरोहा सारी दुनिया में एक दरवाजे की मदद से सफर करते थे, जो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। उसने ये भी बताया है कि ना केवल प्राचीन समय में इजिप्ट जैसी प्राचीन जगह में वो गेट था, बल्कि वो गेट आज भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अब तक आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ की लगभग 80% जगह को खोज चुके हैं। लेकिन अब तक आर्कियोलॉजिस्ट को उस दूसरी दुनिया में जाने वाले गेट के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा है, और इसी के चलते इजिप्ट का ये एबिडोस शहर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी रहस्य का घेरा बनाए घेरे हुए है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।